नमस्कार बच्चों, कल तक की वीडियो में हमने जो हमारा 7th चैप्टर है ये कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, तो इसके जो है 4th क्वेश्चन आंसर तक कर लिए थे। ठीक है, अभी 5th क्वेश्चन है, इसमें आंसर ब्रीफ यानी कि विस्तार से उत्तर दीजिए करके, विस्तार में उत्तर बताइए। तो इसमें 5 क्वेश्चन है इस 5th क्वेश्चन में, ए बी सी डी ई करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें जो है जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए करके। ठीक है, समझेंगे इसको। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉर द एनवायरनमेंट। जो जैव विविधता है ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी जो सजीव प्राणी हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। सो वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू सेव इट, इसलिए जो है हमने अपनी जैव विविधता का जो है संरक्षण करना चाहिए और संरक्षित करना चाहिए इट फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ताकि ये जो है विलुप्त ना हो जाए करके। इसलिए जो है हमने जो है इसका संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन है अब इस 5th का ही। बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई। जो संरक्षित जंगल हैं, जो संरक्षित किए हुए हैं जीव जंतुओं के लिए, वो पूरी तरह से जो हैं जंगली जानवरों के लिए, जंगली जीव जंतुओं के लिए जो हैं सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो उसका हम जवाब देना है, आंसर देना है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जो संरक्षित जंगल हैं वो जो हैं पूरी तरह से जो हैं सुरक्षित नहीं हैं जंगली जानवरों के लिए, क्योंकि टीचर्स हैव फाउंड एक्सेस इन दीज एरियाज। जो अवैध शिकारी होते हैं वो जो है इन जंगलों में जो है प्रवेश पा लेते हैं या आ जाते हैं एंड किलिंग एनिमल्स, और वो उन जानवरों को मारते हैं। देयर इज़ ए नीड टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट पॉचिंग, यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कठोर नियम और कानून बनाने पड़ेंगे अवैध शिकार के खिलाफ, जिससे जो है इन जंगली जानवरों की जो है ये किलिंग और हंटिंग वगैरह रोकी जा सके करके। ठीक है, फिर सी वाला क्वेश्चन है, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं वो किस तरह से जंगल पर निर्भर हैं, कैसे, मतलब कैसे निर्भर हैं, इसे हमको बताना है। तो सम ट्राइबल्स आर डिपेंड ऑन द जंगल फॉर देयर फूड, फ्यूल, वुड, शेल्टर एक्सेट्रा, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं वो जो हैं अपने भोजन के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए और आवास के लिए जो हैं जंगलों पर निर्भर हैं। दे लाइव इन फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेड ऑन देम, ये जो है जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन है, 5th का डी, वट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि वनोन्मूलन के कारण क्या हैं और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं करके, इसके बारे में बताना है हमने। द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो लगातार वनों का विनाश या वनोन्मूलन कह सकते हैं इसको हम, वो लगातार जो बढ़ रहा है वो औद्योगिकरण और जो लगातार कह सकते हैं हम नगरीकरण कह सकते हैं या शहरीकरण कह सकते हैं वो, और औद्योगिकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। नीड फॉर मोर लैंड एंड रिसोर्सेज हैव लीड टू कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्टेस, इनकी लगातार जो है ज़मीन की आवश्यकता और विभिन्न स्रोत की खोज के लिए जो है, विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता के लिए या खोज के लिए जो है लगातार जो है पेड़ों को और जंगलों को काटा जा रहा है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग, ड्राउट्स, डिजर्टिफिकेशन, तो इसके क्या परिणाम है लगातार जो है डिफॉरेस्टेशन के, कि बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा और मरुस्थलीकरण जो हैं इसके भयंकर परिणाम निकल कर आते हैं या जो भविष्य में निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस हुए डिफॉरेस्टेशन के। अब इसमें ई क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 5 क्वेश्चन थे। तो व्हाट इज़ रेड डाटा बुक, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो वहीं से दोबारा से बता देता हूँ आपको। रेड डाटा बुक क्या करते हैं, तो दिस बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द
इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस बुक में जो है जो जीव जंतुओं की जो भी प्रजातियां हैं या जो भी जातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं या संकटापन्न हैं उन सब का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो ये रेड डाटा बुक कहलाती है। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन और है आपका। फॉला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। आप जो है प्रवास से क्या समझते हैं करके। ठीक, तो पांच क्वेश्चन थे, इसमें चार बता चुका हूँ, ये पांचवा क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपसे पहले समझाया था, आपको वहीं से दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर है कि बर्ड्स और अदर एनिमल्स विच आर फ्लाई और कम टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि जो पक्षियों की प्रजातियाँ या जीवों की प्रजातियाँ जो उड़ करके या चल करके बहुत दूर स्थानों से जो है किसी एक निश्चित स्थान पे एक निश्चित समय अवधि में जो है आती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। क्योंकि जो है पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनके कारण से जो है इन स्थानों पर आती हैं आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। और माइग्रेटरी बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन, और जो ये प्रक्रिया होती है इसे माइग्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से जो है ये मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन के पांचवा आंसर बता दिए। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल अगली वीडियो में आप सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।